वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं गोट का तिल्ली, बकरे का तिल्ली है ये। हमने धो कर रख लिया। इसको मैं किस तरह बनाती हूँ देखिए, कई लोग कई तरीक़ों से बनाते हैं मगर हमारा तरीक़ा देखिए बहुत ही अच्छा रहता है, खाने के लिए भी बहुत ही बेस्ट रहता है। ये बनाते वक्त इसके फ़ायदे बता दूँगी और तरीक़ा भी बता दूँगी। शुरू करते हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। हमारा पान गरम हो गया है, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे 3 टीस्पून। ये 2 तिल्ली है, डायरेक्ट हम इस तरह डालेंगे और थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और इसको बंद कर देंगे। इस तरह बंद कर देने से वो एकदम फूटने का चांस रहता है, छटपट करता है, इसलिए इस तरह बंद करके उसको स्टीम होने देंगे अच्छी तरह से। उसके बाद इसका प्रोसेस शुरू करेंगे। इसको हम दूसरी तरफ भी बैठा लेंगे और भी इसको स्टीम होना है। मछली अच्छे से स्टीम हो गए, अब इसको हम ऑफ करके थोड़ी देर छोड़ देंगे, 50 मिनट छोड़ देंगे ताकि वो अच्छे से टाइट हो जाए, उसमें से कोई भी ब्लड बाहर नहीं आएगा। अभी ठंडा हो गया है थोड़ा, अब इसको हम इस तरह कट करेंगे। देखिए अभी ब्लड इसका बाहर नहीं आएगा, अच्छे से स्टीम हो गया है। इस तरह नीट से आपको कट करने के आ जाएंगे, पीसेस आ जाएंगे अच्छे से। जिसको भी हीमोग्लोबिन कम है वो लोग हफ्ते में एक बार खाने से बहुत ही अच्छा रहता है, ब्लड अच्छे से बढ़ जाएगा, इसका हमें 100% रिजल्ट आएगा। अब हम 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, जिंजर गार्लिक का पेस्ट और 1/2 टीस्पून हल्दी डाल देंगे। इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जिसे भी ब्लड कम होता है वो एक खाने से, एक दिन में ही एक तिल्ली खाने से बस है, 100% रिजल्ट आएगा, ब्लड भी अच्छे से बढ़ जाएगा। हफ्ते में एक बार ज़रूर खाना है और इस तरह बनाने से आपको ब्लड बाहर नहीं आएगा और अच्छे से पकेगा। ये 1/2 टीस्पून चिली पाउडर है, चिली पाउडर पहले नहीं डालना, जल जाएगा। और ये है गरम मसाला थोड़ा सा, 1/2 टीस्पून या 2 पिंच। पानी में स्टीम देने से इतना टेस्ट नहीं आएगा, इस तरह तेल में स्टीम देने से आपको रिजल्ट अच्छा आएगा। देखिए ये ब्लैक भी नहीं होगा, एकदम कलेजी की तरह बहुत ही जल्दी बन जाएगा। ये बन गया है, अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। बस हमारा तिल्ली बन गया है, स्टीम होने के बाद बस 2 सेकंड में बन जाएगा। ये बहुत ही जल्दी निकाल देना है और ये हफ्ते में एक बार, जिसे भी हीमोग्लोबिन कम है, खून कम है, वो लोग एक हफ्ते में एक बार खाने से भी बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है, ज़रूर ट्राई कीजिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।